नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया। किसी भी एक्सरसाइज मोड पे जाने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ वार्म अप पोस्चर्स जरूर करें, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर करें। वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी तरह की इंजरी से हमें बचाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन या अर्ली मॉर्निंग जब भी हम काम करने के बाद या सुबह बिल्कुल तरोताजा होने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमारे शरीर में कुछ स्टिफनेस होती है। पर जब हम अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म अप जोन में ले आते हैं तो हम फ्लेक्सिबल फील करते हैं और हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हल्की सी स्ट्रेचिंग से। हाथ पीछे लेकर जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे पूरा, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे मैक्सिमम ऊपर इस तरह से। ये है साइड पोज। जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपने क्या किया, आपने अपनी चेस्ट और शोल्डर को जितना हो सका आपने एक्सपेंड करने की कोशिश करी। फिर से डाउन जाएंगे, हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड अगेन सेकेंड टाइम होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस। वार्म अप एक्सरसाइज का मतलब है अपने शरीर के अंदर कुछ एनर्जी लेकर आ रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो आप सिर्फ अगर यही एक स्ट्रेच करेंगे तो आप इसके बाद काफी तरोताजा फील करेंगे, पूरी तरह से एक्सरसाइज के लिए आप रेडी फील करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ और चीज भी करने जा रहे हैं। हाथों को पीछे ऐसे इंटरलॉक रखेंगे, एल्बोज को एकदम सीधा रखेंगे और थोड़ा सा नेक मूवमेंट करते हैं। कैसे होगा देखिएगा, ऊपर लेके जाएंगे नेक को इनहेल करते हुए एंड डाउन, वापस इनहेल अप एंड डाउन। कुछ लोग होते हैं जिनको सर्वाइकल की बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, अगर वो डेली ये सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे, अपने वार्म अप में ऐड कर लेंगे तो धीरे धीरे से उनको सर्वाइकल से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नेक को सेंटर में रखेंगे और 360 घुमाएंगे धीरे धीरे से। अगर सर्वाइकल वाला पेशेंट कर रहा है तो नेक को पीछे नहीं ऐसे घुमाएंगे, वो सिर्फ आगे की तरफ सर्कल करेंगे और यहीं से वापस लेकर जाएंगे। और हम लोग जो कोई नॉर्मल व्यक्ति कर रहे हैं तो वो पूरा सर्कल घुमाएंगे 360 पे, पूरा 3-3 टाइम्स बोथ साइड इसको आप कर सकते हो। आईज को क्लोज नहीं रखना है क्योंकि आईज क्लोज करते टाइम अगर हम ये एक्सरसाइज करते तो हमें कई बार चक्कर भी आ सकते हैं। एंड रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद अपने इंटरलॉक करेंगे, सिर के पीछे हाथ रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, इनहेल करेंगे और एक्सहेल, वापस इनहेल। आपको स्ट्रेच करना है, आपको अपने हाथों से हेड की तरफ और हेड से पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप और आपको जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, प्लस आपकी स्ट्रेचिंग भी हो रही है, ठीक है। आप अपनी नेक को अपने रिलैक्स किया। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए, तो शोल्डर ऊपर नीचे करेंगे 10 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को एक साथ घुमा सकते हैं। इसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5, 5 times reverse। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से दोनों साइड आप कर सकते हैं, 10 की काउंटिंग, 8 की काउंटिंग या 5 की काउंटिंग में, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी वेस्ट के ऊपर हाथ रखना है और सर्कुलर मोशन में अपनी वेस्ट को घुमाएंगे, पैरों में हल्का सा गैप करेंगे और शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स करना बहुत जरूरी है, दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। फास्ट करना है, स्लो करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाएंगे पैरों की तरफ, तो क्या करेंगे, बट किक करेंगे 1, 2, 3। फास्ट स्लो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं स्पीड। 1, 2, 3 थोड़ा रिदम में कर सकते हैं। 4, 5, 6,
7, 8 इंजॉय करते हुए करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा, आपका वार्म अप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 and 10 दोनों पैरों को क्लोज लेकर आएंगे, हील्स को 10 times ऊपर नीचे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसमें हम कुछ लंजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इतना भी करेंगे तो काफी है, बट इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर टाइम की कमी है तो आप सिर्फ इतना ही वार्म अप कर सकते हैं। तो कैसे करने लंजेस, पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, साइड पोस्चर, आपका जो नी है वो आपका फ्लोर से टच होना चाहिए, हैंड की पोजिशन आप कैसे भी आप रख सकते हो, अपने जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो डीप डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 सेंटर डायरेक्शन चेंज, बैलेंस बना के रखेंगे, वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 रिलैक्स, दोनों पैरों को पास लेकर आएंगे, वापस से रिलैक्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 रिलैक्स। फिंगर्स हैंड मूवमेंट अभी बचती है, उसको करते हैं। कैसे करना है, टिप्स को ज्वाइन करना है, फास्ट फास्ट मूव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 हैंड सामने की तरफ लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5 अगेन अप, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5 बंद करेंगे अपनी मुट्ठियों को, घुमाएंगे, 1, elbow स्ट्रेट रखनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 जोर जोर से फिंगर्स को ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फुल बॉडी वार्म अप। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, और आप अगर पूरी तरह से अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके बाद आप अपना वर्कआउट या योगा सेशन या आपका एक्सरसाइज का जो भी मोड है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।